आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग क्लिफ जंप करेंगे। इस रास्ते को पकड़ के आपको जंगल की तरफ बढ़ना है। अरे यार ये लोग तो डरा रहे हैं। जंप नहीं करने का करोगे तो जाओ। जो हर करने चलो जो हर फर्स्ट लेवल है, दिस इज द सेकंड लेवल एंड दैट इज द थर्ड लेवल। अभी कैसा है, फट रही है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आराम से चलो। वहां पे नेल भी टूट गया मेरा। इतना मजा आया, अब उतना हालत खराब हो रहा है वापस जाने में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुब्रतो एंड वेलकम टू आवर चैनल आकुसैबी। एंड ये वीडियो है हमारे क्लिफ जंप के एक्सपीरियंस के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम लोग पटनम बीच में हैं, साउथ गोवा में, एंड सुबह सुबह काफ़ी धूप हो चुकी है। तो मैं काफ़ी देर से ही जगा हुआ था एंड अपना फ़ोन खाली कर रहा था। एंड आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग क्लिफ जंप करेंगे। कल हम लोग गए थे क्लिफ जंप के वहाँ पे, तो काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए हम लोग को लगा कि ये टाइम सही नहीं रहेगा क्योंकि लाइट भी बहुत जा चुका था, मतलब सनसेट हो ही चुका था। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हमारे क्लिफ जंप का एक्सपीरियंस। तो अभी सब लोग रेडी हो जाए बस, एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो जब तक सब लोग रेडी होते हैं, मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा बीच में जाके मस्ती करके आता हूँ, थोड़ा वॉक करके आता हूँ। वाटर इज सो क्लीन, तो थोड़ा सा बीच पे वॉक तो बनता है सुबह सुबह। एंड बहुत धूप है बट मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी सब लोग सो ही रहे हैं, मैं 7 बजे के करीब उठ गया था एंड देन आई थॉट कि क्यों ना थोड़ी सी सर्फिंग प्रैक्टिस की जाए। You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms up. अभी मैं पैटनम बीच में ही हूँ, तो पैटनम बीच में ही ट्राई किया। तो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनका एक सर्फिंग बोट था एंड देन मेरे को एक कोस्ट गार्ड मिले जिन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे मत करो क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। उसमें वो लहरों का फोर्स लगता है, तालजी बाग और तालजी का कुछ, तालजी बाग बीच में जाओ वहाँ पे होता है काफ़ी अच्छा। तो लेट्स सी, अगर टाइम मिला तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बट फीलिंग बहुत अमेजिंग है, ट्राई करनी चाहिए सारी चीज़ें। तो ये मेरे को बहुत मन था, मैंने किया। कहाँ गए थे? बीच पे अकेले। क्यों? बहुत मस्त पानी है। तो कोई उठता ही नहीं। सो गाइज, फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं क्लिफ जंप के लिए। एंड पटनम बीच से थोड़ा सा राइट साइड के तरफ जाना पड़ता है। हम लोग अभी बस गांव के अंदर से होते हुए जा रहे हैं जहाँ पे मेन कॉटेजेस वगैरह है, क्योंकि यहाँ चलना इजी है। सामने जाके फिर आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। प्लान कर रहे थे कि हम लोग को कौन से लेवल से जंप मारना है। शुभ्र तो बोल रहा थर्ड लेवल से मारेगा। एक बार में तो नहीं मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा थर्ड लेवल का। एक बार क्या फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल से मारने के बाद वो थर्ड लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऐसा इसको लग रहा है उसके बाद। हाँ ऐसा मेरे को लग रहा है, बाकी तो वहाँ जाके जब
कूदने जाएंगे तभी पता चलेगा। बट यार ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है चल के जाना, इसलिए धूप भी बहुत ज़्यादा है अभी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ पटनम बीच। आप उस जगह पे आएंगे, वहाँ से आपको राइट साइड में वॉक करते हुए आना है। इस रास्ते से एकदम स्ट्रेट आपको कॉर्नर तक जाना है। द सन इज़ एट द टॉप एंड बीच का कलर देखिए, इट्स अमेजिंग। दैट्स सुखी मेरे भैया। इस तरफ क्यों, इधर जाना है तो? वो लोग चले गए क्या? वो लोग आ गए। ओके ऐसे ऐसे करके। सो पटनम बीच के एंड में अगर आप आएंगे इस जगह पे, यहाँ से आपको ठीक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिलेगा मैजिक व्यू। इसके ये बगल से जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को पकड़ के आपको जंगल की तरफ बढ़ना है। ये थोड़ा सा गांव टाइप का इलाका मिलेगा आपको, दो तीन घर मिलेंगे। इसको क्रॉस करके आपको थोड़ा सा लाइक ट्रैक करना पड़ेगा। मैं बिना रिकॉर्ड करके वीडियो शूट कर रहा था। सो बेसिकली हम लोगों को इस रास्ते से यहाँ पे ये सीढ़ी मिलेगा, इस सीढ़ी से आना है एंड फिर आगे बढ़ना है। व्यू भी बहुत अमेजिंग है। प्रिंस क्या लगता है? अरे यार ये लोग तो डरा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। ये लोग बोले ऊपर से जंप नहीं करने का हम लोग को प्रॉब्लम है। फिर हम बोल दिया अभी आपका मर्जी है, मर जाएंगे करने से। करेगा तो क्या? सो फुल डरा दिस। हम लोग जिसके वहाँ पे थे मुकेश, तो वो भी बताता ना कि मत जाइए। वो तो हर एक चीज हम लोग को बोल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। तो वही बोला ना कि आप लोग थोड़ा सा नीचे जाके पहले देख लीजिए कहाँ पे रॉक्स, वहाँ पे सब करते हैं लोग जा जाके। दिस इज द जंगल जहाँ से आपको क्रॉस करना पड़ता है क्लिफ तक जाने के लिए। अगर मौसम अच्छा हो तब तो यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। जो हर करने चलो, जो हर गर्म कैसे गर्म ले अभी तो गर्म होगा, अभी तो गर्म होगा भाई, उठेगा कैसे? और पैर चप्पल पहन के थोड़ी जम करेगा। अभी तो जाछी ना तुमरा बिजली पियो में कौन की बोल छो ना ना जाबे जाबो 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 चलो आगे चलो ना। ठीक है ठीक है, कर लेंगे हम लोग। खूब बाराबाड़ी कर अंकिता को गर्मी की वजह से शीज़ प्लानिंग, और शायद उसको डर भी लग रहा है तो शीज़ प्लानिंग कि वो तो नहीं जाएगी, नॉट इवन क्लिफ तक भी नहीं जाएगी। तो हम लोग का वीडियो कौन बनाएगा? बिकॉज वो ऐसे भी जंप नहीं मारने वाली थी, हम लोग ही बस मारने वाले थे। तो वी थॉट कि हम लोग का वीडियो अंकिता बना लेगी, बट नाउ अंकिता ने कहा नहीं। जौहर करने जा रहे हैं। हाँ वो बोला जौहर करने जा रहे हैं। मैं बोला हाँ वैसा टाइप का ही है, पता नहीं क्योंकि क्या होगा। दे ना दे। जैसा उन लोगों ने भी किया वीडियो में, उनको करना था इसके लिए वो किया। नहीं लेकिन वो लोग ये भी मेंशन किए कि पत्थर पत्थर है। एक बार देखेंगे पत्थर का क्या सीन है। स्टोन्स पे हम लोग पैर देख के ये देख रहे हैं कि कितना गर्म है, ताकि हम लोग वॉक करके जा पाएंगे कि नहीं वो देखने के लिए। हवा चल रहा है ना। ये सेकंड टाइम हम लोग इस क्लिफ पे आए हैं। हाँ। और इस जगह पे एंड अभी भी सब लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट आई एम श्योर कि मैं तो कूदूंगा, मैं भी कूदूंगी। बस इतनी आर श्योर जो हो जाए। अंकिता श्योर, अंकिता तो कूदने वाली भी नहीं थी। प्रिंस अभी भी कंफ्यूजन में है, उसको दम मिलेगा जब कोई एक जन कूद जाए तो। ट्रू भाई ट्रू। उसके पहले तो बोले सबसे ऊपर वाले क्लिफ से प्रिंस ही पहले जाए। नहीं नहीं मैं चांस तो फिर मैं पहला जंप शुभ्रतो, सेकंड जंप मैं। नहीं नहीं ऊपर वाला का चांस ही नहीं है, सबसे छोटा वाला मैं ट्राई कर सकता हूं वो भी एक। तो ठीक है तो फिर फर्स्ट जंप तुम ही मारोगे, ऊपर वाले से मैं मारूंगा। ऊपर वाले जाबू ही ना
হ্যাঁ তো ঠিক আছে তাই তো বলছি আমি একটা জাম্প ফার্স্ট লেভেল থেকে তুমি আগে জাম্প করছো সেকেন্ড ভাইয়া জাম্প করছো থার্ড লেভেল তারপরে সুব্রত তারপরে আমি চলো বাড়তে আগে अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं क्लिफ में जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता ऐसा है अब यहाँ का रास्ता जो है ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है क्योंकि पूरा पत्थर वाला रास्ता है अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे और आप लोग यहाँ पे ये करना है तो बहुत केयरफुली आइए एंड बहुत सोच समझ के पैर रख रख के धीरे धीरे चल के जाइए कोई हड़बड़ी मत कीजिए मस्ती में बहुत कुछ गलत हो सकता है तो इसलिए सेफली कीजिए फ्रेंड्स वहाँ तक जा चुका है सुबह जब मैं बोल रहा था ना बार बार तो उस टाइम पे यही हो रहा था कि उस टाइम पे मौसम अच्छा था अभी हम लोग एकदम पूरा एकदम सर पे जब धूप है ना तब आ गए कल का प्लानिंग ये सही था कि सुबह सुबह जाना है क्या लग रहा है दिल में मजा आ रहा है दिल में मजा नहीं मतलब मजा आ रहा है बातें बदल गई है जज्बात बदल दिए हालात बदल दिए यही तो इसके ऊपर से सीढ़ी टाइप का बना हुआ है नया तरीका क्लिफ पे चढ़ने का आप लोग आएंगे तो ग्लूकोन डी लेके आइएगा बियर पानी वाली से ज़्यादा ग्लूकोन डी यहाँ तक का तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया पता नहीं इसके आगे कितना क्या वीडियो बनेंगे कैसा बनेगा ये अरे कल का टाइमिंग भी उस टाइम तो हम लोग को गर्मी लग रहा था लेकिन फिर भी इससे बेटर था वो टाइम दिस इज द क्लिफ हम लोग क्लिफ तक पहुँच गए हैं वो फर्स्ट लेवल है दिस इज द सेकेंड लेवल एंड That is the third level. ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता डर सबको लगता है गला सबका सूखता है पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे एक जन नीचे जाके देखना चाहिए अभी इतना ज्यादा चलो चलो अभी वो लोग जा रहे चेक करने के लिए क्योंकि हम लोग को लग रहा है कल जितना था उससे कम है पानी अभी तो थोड़ा सा रिस्क लग रहा है और पता नहीं क्यों अचानक से दिल बहुत जोर जोर से धक-धक कर रहा है कांप रहा बॉडी डोंट इवन नो व्हाई क्या हुआ नहीं लग रहा है यार तो ओपने गए भाई पत्ते के जाम बोले तो ये जब से ओपने देखते होवे ना बनाचो हां रेडी ब्लॉग पे है हां ভাই এই জায়গাটা না গুড়গুড় করছে গুড়গুড় করছে গুড়গুড় করছে জাম করছো কি गाइस आए तो है क्लिफ जंप करने ये है भी यहाँ पे क्लिफ बट अभी कैसा है फट रही है वेट अ मिनट अखुनी हमें जंप में दो बट अभी कैसा है फट रही है वहां से हम लोग थोड़ा सा पानी में कूद गए बट ये है ये क्लिफ है यहाँ ये वाला यहाँ से फिर कूदना और इसके बाद ये सेकंड लेवल है ये वाला जहाँ पे मैं बैठा हूँ और ये थर्ड लेवल है ऊपर वाले से मैं मारूंगा इससे ये तो छोड़ी दो यहाँ से ही फट रही है एक जन कोई रहो ना नीचे थोड़ा सा मेरे को करे मिलेगा चाहे आप सपोर्ट करो चाहे नहीं करो प्रिंसेस गोइंग A few moments later. Two hours later. Yes?
Mission failed. We'll get him next time. मेरा वही दिक्कत है, चश्मा भी नहीं है ना। चल झूठा। ऊंचू तो आचे बोरा मोने क्या? चश्मा ना भी आरो साला ऊंचू लग चें। हो जाएगा भैया। जल्दी ना, एक बार टाइम। जल्दी ना, एक बार टाइम। All the best. Ready? Ready. 2,000 years later. Finally? Yes, finally. Suki Lord is jumping! अरे नहीं, पत्थर ढूंढो। टायर के थोड़ा इस तरफ आओ और इस तरफ। Thank you.
आराम से चलो वहाँ पे। How was the feeling? तुमने सबसे पहला जंप मारा था। हाँ सो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है और मेरे लिए ना मतलब ये इतना बार आया है गोवा भैया, इतना बार गोवा आया है, इतना मजा इसको कभी नहीं आया किसी भी गोवा ट्रिप में आया है। सो फाइनली क्लिफ जंप डन है, कर लिया हम लोगों ने। एंड अगर आप लोग भी कभी भी आते हैं ये क्लिफ जंप करने के लिए तो सारा डिटेल्स इसमें है, यू कैन लाइक कमेंट अस या फिर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको और भी अच्छे अच्छे डिटेल्स एंड डूज एंड डोंट्स भी बता देंगे। सो बेसिकली कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख के, अटेंटिव रह के एंड करेज के साथ बस एक बार फर्स्ट जंप मारने की देरी है, उसके बाद आप लोगों को डर नहीं लगेगा। बस ये ऐसा है कि यहाँ पे जो भी हो एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत ही सोच समझ के कीजिए, ऐसे नहीं कि जस्ट। मेरा एडवाइस है अगर आप डर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, किस रीजन से नहीं करना चाहिए, डोंट डीमोटिवेट योर फ्रेंड्स और जो भी आसपास है आपके, मोटिवेट करिए। और नहीं आप मोटिवेट कर सकते हो डोंट स्पीक, बट उनको नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए। हाँ, बहुत इन सब ऐसे टाइप की चीजों के लिए क्या बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का जरूरत होता है। एंड जब पॉजिटिव एनर्जी रहता है तभी आप अच्छी तरह से प्रॉपरली सेफ्टी के साथ ये कर सकते हैं। हम लोग पानी का बॉटल लेके आए थे पीने के लिए, तो वो खत्म हो गया प्लास्टिक का बॉटल, तो हम लोग उसको लेके जा रहे वापस। आप वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे किसी ने प्लास्टिक का बॉटल गिरा के रखा, और भी हम लोगों ने कुछ कुछ जगह पे देखा। एंड बहुत सारे जगह पे बहुत लोग बियर वियर पीते हैं तो बॉटल्स फेंक फेंक के तोड़ देते हैं, कांच कांच पड़ा हुआ है हम लोगों ने देखा। तो आप लोग ये मत कीजिए, एंड अगर आप जानते हैं तो सब लोगों को यही सजेस्ट कीजिए क्योंकि इससे क्या है नेचर और खराब ही होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है। इतना मजा आया, अब उतना हालत खराब हो रहा है वापस जाने में। सबके सब काले भी है। It's not for me to say you love. It's not for me to say. चप्पल टूट गया। You love. उधर से गए थे मेरे को अंदर पता। हाँ। हाँ कल यहाँ से बैठ बैठ के गई थी, और कल भी यहीं से गए थे। पानी भी नहीं ना। और अब जब पूरी वीडियो देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब भी नहीं कर रहे हो तो फिर हम आपको सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं। What is this behavior?